ज़ाहिर शाह शिराज़ी, जैसे कि हमारे मौजूद पैनलिस्ट ने कहा कि एक जानेब यू नो 60,000 के करीब केसेस पेंडिंग, दूसरी जानेब हमारा जो जो नंबर है दैट्स नियर टू 140th, तो अब इस सारे मामले में अगर इस तरह की चीज़ सामने आ जाती है तो उस पर उजरदारी जितनी आ रही है, जितनी शिकायत आ रहे हैं, डू यू थिंक इट्स वैलिड फ्रॉम द ऑपोजिशन बेंचेस? देखिए, मेरे ख्याल में मैं तो ये समझता हूँ कि इंटेंशन क्या है। आप क्या समझते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट जो इस तरह बनेगी, बेशक हम कहते हैं कि अगर हुकूमत का जो इंटेंशन है वो अच्छा है और वो बाकी जमातों के साथ मिला के कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करती है और उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनती हैं, इन्होंने इनको पाकिस्तान के अवाम के इतना दुख है कि 70,000 केसेज हैं और उनमें सबसे ज़रूरी कॉन्स्टिट्यूशनल केसेज हैं जो कि एक अलग अदालत सुनेगी। मुझे ये बताइए कि पेंडेंसी कौन से केसेस की है। यहाँ तो मेरे ख्याल में जो इलीट क्लास है, आपके पॉलिटिकल पार्टीज है, आपके पॉलिटिकल इलीट है, लीडरशिप है, उनका केस तो प्रायोरिटी पे सुना जाता है। उनके लिए तो छुट्टी के दिन जो है ना वो इतवार के दिन भी अदालत लगती है और रात के दिन भी लगती है। रात को दरवाजा खुलता है कि इसको आप जो है वो बेल दे दें और इसको जो सुन लें। तो सोचने वाली बात ये, क्या अशराफिया अपने लिए एक और अशराफिया की कोर्ट बनाना चाहते हैं? बड़ी अजीब सी बात है, अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस वो लोगों को इंसाफ नहीं फराम कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट क्या उन चंद लोगों के लिए, चंद पार्टीज के इश्यूज के ऊपर बात करेगी? लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मेरे ख्याल में हुकूमत जो इस वक्त करने जा रही है वो आइंदा जब ये अपोजिशन में होगी, पीपल्स पार्टी या PMLN, तो क्या सेम सिचुएशन यहाँ पे नहीं होगी? अगर ये समझते हैं कि जजेज इनकी मर्जी से आज लग जाए और ये जितने भी इस वक्त पेंडिंग केसेज है, जिसमें आप जो है वो सीटों का केस कह लें या बाकी ऐसे अमेंडमेंट कह लें, तो वो मेरे ख्याल में कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के थ्रू ये कर लेंगी और इम्पोज कर लेंगी। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो निज़ाम है, चाहे वो अदालती निज़ाम है, चाहे आपका पार्लियामेंट का निज़ाम है, वो चंद लोगों के लिए। आपने देखे वो डेमोक्रेसी तो मुल्क के अंदर वेस्टर्न फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी तो ले आए, लेकिन आपको जो इस वक्त जो इलेक्टेबल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी वो आप ऐसा पुअर गवर्नेंस सिस्टम दे रही है जिसकी वजह से आपका सिस्टम बैठ गया है। जुडिशरी ये कहती है कि मैं अकाउंटेबल नहीं हूँ, पार्लियामेंट कहती है मैं सुप्रीम हूँ, पॉलिटिकल पार्टीज कहते हैं वो तो बिल्कुल जो है वो मुकद्दस गाय हैं। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट क्यों जरूरी है, इस वक्त क्यों जरूरी है, इससे पहले क्यों जरूरी नहीं थी और इसके बाद क्या इनकी जरूरत पड़ेगी, ये बड़े अहम सवाल आते हैं। और हुकूमत वक्त क्यों चाहती है कि इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट पर, ये सवाल है। दूसरा, मैं ये समझता कि जो इस वक्त अपोजिशन जमात है तहरीक इंसाफ, जिसको बार बार हम कहते हैं कि जनाब शायद इनको बड़ा फेवर किया जा रहा है, तो पहले तो आप जुडिशरी से सवाल करें, हमारी लीगल फ्रेटर्निटी शायद ज्यादातर सब सुन रहे हैं, क्यों ऐसे मामला हो रहे हैं कि जिसमें आपकी जुडिशरी जो है वो पार्टीजन है और वो एक पार्टी और दूसरी पार्टी के साथ है, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आपके जुडिशरी, सुप्रीम जुडिशरी और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर आने वाले लायर वो जो है वो सियासी जमातों के लीडर रहे हैं। कोई इंसाफ लीग का लीडर रहा है, कोई PMLN का लीडर रहा है, कोई पीपल्स पार्टी का लीडर रहा है, और उसी बेसिस के ऊपर आपने जो है वो अदालतों के अंदर भेजा, सुप्रीम अदालतों के अंदर। जिस मुल्क के अंदर आपका जुडिशरी का निज़ाम पसंद नापसंद के ऊपर हो, तो आप उससे मजीद क्या बेहतरी समझ सकते हैं? मैं ये समझता हूँ, देखें आप क्या जिस तरीके से एक शैम डेमोक्रेसी इस वक्त एग्जिस्ट करती है, मेरे ख्याल में इस वक्त कौम को आवाज ये उठानी चाहिए, लीगल फ्रेटर्निटी को ये आवाज उठानी चाहिए, क्या फॉर्म 44, 45, 47 टाइप की डेमोक्रेसी आपको एक्सेप्टेबल है? आपके जो इस वक्त हम कह सकते हैं ना कि जो इलेक्शन के पेंडिंग केसेस है, क्या जिस जमात के भी हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी के हैं, चाहे PMLN के हैं, चाहे वो तहरीक इंसाफ के हैं, चाहे वो दूसरी किसी जमात के हैं, क्या वो कमीशन आज तक बने, क्या उन पिटीशन को उन्होंने सुना, क्यों नहीं सुन रहे, क्यों पेंडेंसी की जा रही है? दूसरा, देखिए मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर मैं कमेंट नहीं करना चाहता कि वो शायद किसी पार्टी के हक में या नहीं, लेकिन अगर आपका निज़ाम सिर्फ चंद लोगों के इर्द गिर्द घूम रहा है तो मेरे ख्याल में इसी तरह रहेगा। मैं नहीं समझता कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स भी बनने के बाद आपके ये मसाइल हल होंगे। अच्छा। ना तो सुप्रीम जुडिशरी के जो लीगल केसेस हैं, ना उनके एडमिनिस्ट्रेटिव केसेस हैं, ना एडवाइजरी केसेस हैं। केसेस आपके हल होंगे उसी इलीट सुप्रीमेसी रखने वाले लोगों को, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी के अंदर है, चाहे वो सियासत के अंदर है। गरीब आदमी जो 80% है ना, मेरे ख्याल में वो इसी तरह रुलता रहेगा। आप 139 क्यों डालते हैं? क्या आपके सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस के जो इनडिसीजन की वजह से, या आपके जो बेचारे ग्रास रूट लेवल पे लोग हैं वो रोल रहे हैं? आप भुट्टो साहब को आपने कितने साल बाद इंसाफ दिया कि उनका फैसला, उनके खिलाफ होने वाला फैसला गलत था? तो अब मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर आप सियासी जमातें जुडिशरी को, पार्लियामेंट को,
ब्यूरोक्रेसी को, एस्टेब्लिशमेंट को, इवन मिलिट्री को अपने ज़ाती मफादात के लिए इस्तेमाल करेंगे तो आप इसी किस्म के क्राइसिस से गुजरेंगे। और मेरे ख्याल में मुल्क इस तबाही के दहाने पे चला गया है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं, आप फाइनेंशियल बैंकरप्टसी के तरफ जा रहे हैं। आपका तमाम इलीट सिस्टम जो है वो करप्ट है, जो इस मुल्क को चुका है। जजेस भी शामिल है, आपकी ब्यूरोक्रेसी भी शामिल है, इसमें आपकी पार्लियामेंट भी शामिल है। इस पार्लियामेंट के अंदर माफिया के लोग बैठे हो तो आप उनसे क्या तवक्कुल? बिल्कुल ठीक है उसैर शराई साहब, जैसे जैसे आपने कहा कि सिस्टम को और हाल करना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।